उसकी वाइफ ने बोला था वैशाली को कि मैं तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और उसने कर दी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंजू पांडे। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर ने बीते दिनों इंदौर स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हर किसी को वैशाली की आत्महत्या ने झकझोर के रख दिया। वैशाली की आत्महत्या ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें उनका एक्स बॉयफ्रेंड राहुल प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। बीते दिनों पुलिस को वैशाली के घर से एक डायरी बरामद हुई, जिसमें वैशाली ने अपने दिल का हाल लिखा है। इसमें वैशाली ने सब कुछ बताया है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि राहुल और उसकी पत्नी दिशा उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। वो उन्हें इतना ज्यादा प्रताड़ित करते थे कि उन्हें इस हद तक वो प्रताड़ित हुए कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही वैशाली ने यह भी लिखा है कि बीते 2.5 साल उन्होंने बहुत कुछ सहा है। आपको बता दें कि पहले भी राहुल वैशाली की शादी तुड़वा चुका है। वहीं अब वैशाली की मां ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैशाली की मां ने भी इस बात की तरफ ही इशारा किया है कि राहुल वैशाली को ब्लैकमेल करता था, जिसके चलते वैशाली ने आत्महत्या कर ली। सबसे पहले तो आप सुनिए वैशाली की मां ने क्या कहा है। 2.5 साल हुए थे एक्चुअली, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, वैशाली उसके पहले मुंबई रहती थी या रहती नहीं थी। जब आई थी तो भी उस राहुल से उसका परिचय हुआ, 2.5 साल हो गए। हाँ, तो बस उस समय ही राहुल से उसकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का उसने नाजायज फायदा उठाया राहुल ने, और उसको कन्विंस कर लिया उसको अपनी, राहुल मैरिड है, दो बच्चे हैं उसके। तो वैशाली ने उसको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड माना, उससे अपनी बाहर बातें शेयर करने लगी, वो फ्रेंड माना। लेकिन राहुल उसको एक अलग लेवल पे ले गया, और फिर एक्चुअली हमको ये बातें कुछ पता नहीं चली, तो मैं ज़्यादा इस बारे में इतना जानती भी नहीं। लेकिन जो फिर वैशाली ने अभी उस दिन ही बताया कि भाई राहुल ने मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, ये मेरे को निकलने नहीं दे रहा। वो उसके फ्रियंसे के साथ बहुत खुश थी वैशाली, तो राहुल ने उसके फ्रियंसे को भी कुछ गलत मैसेज भेजे, फेक आईडी बना के, इंस्टा की फेक आईडी बना के मैसेज भेजे कि वैशाली अच्छी लड़की नहीं है, वैशाली बहुत कैरेक्टर लेस है, वैशाली से शादी मत करो, ऐसे कुछ करके। या राहुल या उसकी वाइफ ने, दोनों में से एक, बाकी वैशाली की और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो हमारा डाउट क्या मतलब, पूरा यकीन है कि राहुल और दिशा, या फिर एक रोहित नाम है और दिशा के भाई का, उस इन तीनों में से इन लोगों ने मतलब मिलकर इनकी प्लानिंग से ये सब हुआ। तो बस आपको मैं क्या बोलूँ, वैशाली को न्याय मिलना चाहिए। परिवार के लोगों से आपसे जो उन्होंने बात की, कि आपने कहा कि परिवार के लोग बात हो रही समझा रहे राहुल को, तो उन्होंने भी कुछ आपसे कहा था कि जितना वो बाहर से सॉफ्ट है सब कुछ। हाँ, उसने बोला कि अभी वो हाँ भर देगा सबके सामने, अभी वो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल सीधा सच्चा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो डर मूवी का शाहरुख खान है। वो ऊपर से जितना वो स्वीट है सॉफ्ट है, अंदर से कितना डेंजर है, मैं उसको जानती हूँ, उसको जितना कोई नहीं जानता। 2.5 साल में मैंने समझा राहुल को कि वो कैसा डर का शाहरुख खान है, वो डेंजर है वो। बोला उसने मेरी लाइफ ख़राब, वो और उसकी वाइफ ने बोला था वैशाली को कि मैं तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और उसने कर दी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय। शायद कुछ शादी 20 तारीख होने वाली थी, 20 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज होने वाली। अच्छा, उसके पहले एक सप्ताह पहले उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वही डाली, तभी तो इनको पता चला कि वैशाली का फियांसे है ये मितेश कुमार, मितेश गौर, मितेश कुमार गौर, मितेश गौर। तो से ही फिर उनको पता चला, तो उन्होंने वो मितेश को टेक करके वो डाला कि अभी वैशाली अच्छी नहीं है, ये वो मतलब बहुत सारी बातें उसको जैसे, तो वह डिस्टर्ब हो गया। तो उसने वैशाली को बोला कि जो 20 तारीख को कोर्ट मैरिज है, मैं अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा सोचने समझने में, मैं प्रिपेयर नहीं हुई जो इतना सब कुछ मैं सुन रहा हूँ तेरे बारे में, जो जो मेरे को किसी आईडी से मैसेज। जैसा कि आपने सुना किस तरह से वैशाली की मां ने राहुल, राहुल की पत्नी दिशा और राहुल के साले रोहन पर इल्जाम लगाया है। वैशाली की माँ का कहना है कि राहुल वैशाली को ब्लैकमेल करता था, और वो जहाँ भी वैशाली की शादी होने वाली रहती थी वहाँ उस लड़के को मैसेजेस भेजता था और वैशाली की शादी तुड़वा देता था। बीते साल वैशाली की शादी केन्या स्थित डॉक्टर अभिनंदन से तय हुई थी। दोनों की शादी जून में होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक शादी टूट गई।
हालांकि उस वक्त तो वैशाली ने ये कहकर उस बात को छिपा दिया कि कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन की है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि राहुल ने अभिनंदन को कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे थे जिसके चलते उन्होंने ये शादी तोड़ दी। इसके बाद वैशाली की मितेश नाम के एक लड़के से शादी तय, दोनों की 20 अक्टूबर को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही वैशाली ने आत्महत्या कर ली। अपनी डायरी में वैशाली ने मितेश को सॉरी भी लिखा है। वहीं वैशाली की मां ने बताया कि राहुल या उसकी पत्नी दोनों इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर वैशाली की जिन भी लोगों से शादी होने वाली होती थी उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उन्हें वैशाली के बारे में बहुत सारी चीजें बताते थे और कहते थे और उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश करते थे, जिसके चलते अभिनेत्री को ये कदम उठाना पड़ा। वैशाली की माँ ने तो सब कुछ बता दिया है, जिसके बाद राहुल और दिशा फिलहाल पकड़े भी गए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।